अध्यक्ष महोदय भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था कालातिक्रमांत काल एवं फलम पीबती जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है कोविड के दौरान देखा है दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है यह आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करे मैं नोबल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं शुभो कोर्मो पोथे शुभो कौरम पोथे धोरो निर्भयोगान शोभ दुर्बल सौन्योष होक अभोसान अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो सभी दुर्बलताएं और शंकाए समाप्त हो ये संदेश आज के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के लिए जितना प्रासंगिक है उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा विश्व को स्वस्थ सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा